एक्शन और कॉमेडी फिल्मों में अपना लोहा मनवाने वाले गैंग्स ऑफ वासेपुर फेम एक्टर तिग्मांशु धूलिया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ही पढ़े हैं। आज उनकी पुरानी यादें ताजा हो गईं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आयोजित पूरा छात्र सम्मेलन में पहुंचे तिग्मांशु धूलिया ने अपने पुराने समय को याद करके भावुक तो हुए ही, साथ ही समाज में आधुनिक बदलाव पर अफसोस भी जाहिर किया। हमारे टाइम ये अलमना मीट हुई नहीं थी। मैं तो उतने सालों बाद 86 में पास आउट किया, पहली बार मैं देख रहा हूँ अलमना मीट हो रही है कोई तो। बाकी बदलाव तो स्टूडेंट से होता है, बाकी बिल्डिंगें तो वही हैं जो थी, गलियारे वही हैं, वही पेड़ हैं, यही बरगद का पेड़ पहले भी था आज भी है। आई थिंक विद्यार्थी बदल गए हैं, शिक्षक बदल गए हैं, सभी इसी समाज से निकले हुए लोग हैं। समाज भी थोड़ा गिरता जा रहा है तो सब कुछ गिर ही रहा है। मुझे ऐसा लगता है फैसिलिटीज़, मैं जैसे मैंने 2 साल पहले मैंने यहाँ पे एक वेब सीरीज़ शूट भी की थी तो मैं जैसे सेंट्रल लाइब्रेरी गया उधर जो अल्फ्रेड पार्क में है। आज बच्चों के पास कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, सबके पास है, एक्सेस है इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन के बारे में, सब कुछ है। यहाँ पर मुझे लगता है फैसिलिटीज़ हैं नहीं बच्चों के पास। आज भी मैं देखता हूँ वो ज़मीन पर बैठे बैठे वैसे ही पढ़ रहे हैं। तो जब तक उस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं दी जाएंगी, वो अपलिफ्टमेंट शिक्षा का नहीं होगा तो कहाँ से आई एस निकलेंगे। फिर वो कुछ भी करते हैं, फिर कोई भी नौकरी भी करते हैं, बेचारे गरीब घरों के आए हुए बच्चे हैं। आशा सब चाहते हैं कि मैं आई बनूं, पी बनूं, पर सब तो नहीं बन पाते, फिर वो लोग कुछ भी करते हैं। तो आप एक तरह से एक टैलेंट का खून भी हो रहा है। तिग्मांशु धूलिया ने फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में मंत्री राम अधीर सिंह का किरदार निभाया है और उनका ये डायलॉग बेटा तुमसे न हो पाएगा ने काफी सुर्खियां बटोरी थी। तिग्मांशु बताते हैं कि इलाहाबाद शहर मेरे दिल के करीब है, भले ही ये अब प्रयागराज हो गया लेकिन मेरे लिए ये शहर इलाहाबाद ही रहेगा। आप कंपेयर करें बाकी इंस्टीट्यूशन से जिस तरह का सपोर्ट स्टूडेंट्स को मिलता है वो यहाँ पे इलाहाबाद में, पूरे इलाहाबाद के बारे में सिर्फ यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें ADC भी है, उसमें KP है, सब कुछ है। तो वो फैसिलिटी स्टूडेंट को प्रोवाइड नहीं हो रही हैं तो कहाँ से कम्पीट करेंगे वो। और क्या कहेंगे जो अलुमनाई जब शुरू किया गया है? बहुत अच्छा अलुमनाई मीट में पुराने स्टूडेंट्स जूनियर सीनियर सब मिलते हैं, कनेक्शन बनता है, आपको प्रोफेशनली बहुत इसका फ़ायदा होता है। इतने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के तो इतने दिग्गज लोग निकले हुए हैं, कहाँ कहाँ के एम्बेसडर्स और IAS और चीफ सेक्रेटरीज, आप उनसे तो नहीं मिल पाएंगे लेकिन उनसे अब जब लोग जूनियर जब कनेक्ट करते हैं तो बहुत फ़ायदा भी होता है।